खबर मथुरा से है, रिपोर्टर छैल बिहारी शर्मा। भाजपाइयों ने किया सौंक चौकी में वृक्षारोपण। मथुरा जनपद के कस्बा सौंक में भाजपा के पदाधिकारियों ने पुलिस चौकी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका शुभारंभ चौकी प्रभारी चंद्रपाल सिंह जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार सावन के माह में आज सौंक में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष साकेत चौधरी व चौकी इंचार्ज चंद्रपाल सिंह जी के नेतृत्व में चौकी में 21 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। जिला उपाध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष साकेत चौधरी ने बताया कि पौधे ही हमारे जीवन के आधार हैं, इनसे ही पूरी सृष्टि आज संतुलित है। अगर पृथ्वी पर पौधे ना हों तो जीवन संभव नहीं है। हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो और आने वाली पीढ़ी रोग मुक्त हो। कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल धर्मेंद्र तोमर, रिंकू लोहिया, संजय बंसल, चिराग अग्रवाल, सचिन चौधरी, दीपक वर्मा, सुनंद अग्रवाल आदि सहयोग किया। कस्बा की चौकी में जो पौधारोपण कार्यक्रम किया है व्यापार मंडल की ओर से, क्या क्या सहयोग रहा है, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और कितने पौधे पुलिस चौकी परिसर में लगाए गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुहिम चलाई है कि हर कस्बे स्तर पर, गांव स्तर पर अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में हरियाली ज्यादा से ज्यादा आए। इसी उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत माननीय चौकी इंचार्ज महोदय के साथ चौकी सौंक में 21 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें कंजी का पौधा और आपका आम का पौधा, कई प्रकार के पौधे हैं जो भविष्य में बड़े होकर छाया देने वाले पौधे बनेंगे। पौधारोपण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? पौधा, एक पौधा भविष्य में बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। इसके इतने फायदे, ऑक्सीजन देता है, औषधियों गुणों से भरपूर होते हैं। अगर हम समय समय पर पौधारोपण करते रहेंगे तो भविष्य में होने वाली जितनी प्राकृतिक आपदाएं उनको रोक पाएंगे। अच्छी बारिश होगी, किसानों को लाभ मिलेगा, देश में खुशहाली आएगी। तो किसान हमारा खुशहाल होगा तो हमारा देश भी निश्चित खुशहाल होगा।